वापस एक बार हमारे पास से यहाँ पे ये Dell Inspiron 14 2-in-1 लैपटॉप जो कि एक्चुअली में एक प्रोडक्टिविटी बीस्ट है बिकॉज इसमें है इंटेल का 12th जेन प्रोसेसर। ये क्या निकला भाई यहाँ से? भाई इसको साइड में रखते हैं, साथ में पावर एडेप्टर आता है, वो भी एक गाइस मस्त वाला टाइप सी वाला पावर कॉर्ड। ये है अपना एक्चुअल लैपटॉप जो कि काफी ज्यादा देख के मुझे स्टाइलिश दिख रहा है। भाई इस वाले लैपटॉप का वेट भी इतना ज्यादा नहीं लग रहा है, इवन दो इसमें है इंटेल का काफी पावरफुल 12th जनरेशन i5 प्रोसेसर, जो इंटेल के नए वाले 12th जनरेशन के प्रोसेसर से उसमें नया वाला हाइब्रिड आर्किटेक्चर है जिसमें यार इंट्रोड्यूस किया गया है पी कोर्स को, परफॉर्मेंस कोर्स को एंड ई कोर्स यानी कि एफिशिएंसी कोर्स, जिससे यार परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। ये पिछले वाले से बेटर इसलिए है क्योंकि अगर सपोज आप ब्लेंडर में कुछ रेंडर कर रहे हो तभी भी आप यार कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जब फोरग्राउंड का टास्क है उसको वो परफॉर्मेंस स्कोर में लेके जाता है और दूसरा बैकग्राउंड का टास्क है उसको एफिशिएंसी स्कोर में लेके जाता है। और ये सब कमाल है इंटेल के थ्रेड डायरेक्टर का जो कि यार राइट टाइम पे राइट कोर पे सही वाला टास्क असाइन करता है और सीमलेसली उसको यार चेंज करते रहता है। हम लोग इसके पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे दो दो देखने मिलते हैं अपने को USB 3.2 Type C पोर्ट्स जो कि इवन यार पावर डिलीवरी करते हैं हाई स्पीड के साथ, और साथ ही में डिस्प्ले पोर्ट का भी ये काम करते हैं। साइड में उसके फुल साइज HDMI, देन दूसरे साइड से मिल रहा है अपने को यार हेडफोन जैक, साथ में USB नॉर्मल वाला एंड SD कार्ड स्लॉट जो कि यार काफी यार फोटोग्राफर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इतने अच्छे खासे पोर्ट्स के साथ आपको डोंगल्स की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस लैपटॉप में गाइस आता है इंटेल का 12th जन i5 1235U जो कि आता है 6 कोर्स के साथ एंड 8 थ्रेड्स के साथ, एंड ये यू सीरीज का प्रोसेसर है, इसका मतलब ये बना है फुल थिन एंड लाइट लैपटॉप के लिए। साइड से देख सकते हैं हम लोग इसको, ये काफी ज्यादा थिन है एंड लाइट वेट तो डेफिनेटली है। और जो पी सीरीज वाले प्रोसेसर है वो इंथुजियास्ट के लिए है और उनमें यार 14 कोर्स तक आ जाते हैं। इस वाले लैपटॉप में भी यार बेंचमार्क्स काफी अच्छे अपने को दिखने को मिल रहे हैं, जो ब्लेंडर का रेंडर बेंचमार्क है ये भी इसने CPU वाला 7 मिनट में लगभग खत्म कर दिया। ये एक 2-in-1 लैपटॉप है इसलिए यार इसको आप कोई भी मोड में लिटरली यूज कर सकते हो। ये वाला फ्लैट वाला मोड चाहिए ये यूज कर लो, ऐसे वाला मोड यूज करना है ऐसे वाला टेंट वाला मोड यूज कर लो, इसको आप एकदम ऐसे एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हो। पिछले वाले बटन्स काम नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग टैबलेट मोड में, अभी ऑब्वियसली टैबलेट मोड के लिए इसको टच स्क्रीन होना जरूरी है जो कि ये है। ये एक स्टैंड जैसा भी यार रख लिया मैंने इजीली। इसके साथ आप एक्टिव पेन भी यूज कर सकते हो, डेल वाले काफी खतरनाक है, साथ में इसके एक बैटरी भी दी है। भाई टैबलेट मोड में एक्टिव पेन यूज करने का मजा ही कुछ और है। अगर हम लोग बात करें इसके स्क्रीन की तो ये एक एक्चुअली में 16:10 एस्पेक्ट रेशियो की स्क्रीन है। आप बोलोगे भाई उससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन गाइस थोड़ी सी भी स्पेस ज्यादा मिलती है उसमें थोड़ा ज्यादा काम निकल सकता है, एंड ये एक TUV सर्टिफाइड पैनल है, उससे यार आइस पे स्ट्रेन कम हो जाता है बिकॉज इसमें फ्लिकरिंग कम हो जाती है। इसके जो हिंजेस है ना एक्चुअली में ये एक्चुअली लिफ्ट हिंज है, इसका मतलब यार थोड़ा सा ऐसा ऊपर फ्लोटिंग वाला फील आ जाता है जिसके मदद से यार आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस बेस्ट हो जाता है। भाई ये कीबोर्ड भी यार अलग सा ही फील दे रहा है टाइपिंग करने में, आप कितने भी तेज टाइपिंग कर लो दोस्तों रिप्लाइज लेट आगे देखो। इसका जो ये वाला एरिया है एकदम मस्त यार, हाथ रख के टाइपिंग करने के लिए कंफर्टेबली आप टाइप कर सकते हो। कीबोर्ड तो इसका बढ़िया है लेकिन यार इसके टच पैड में भी मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि एक लैपटॉप के भाई दो इनपुट डिवाइसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, कीबोर्ड एंड टच पैड, एंड टच पैड भाई काफ़ी एक्यूरेट है एंड एकदम बढ़िया लाइक क्रिस्प बोलते हो। टच पैड दिखने में भी बढ़िया सा है एंड 14% ये लार्ज है पिछले वाले से। अभी हम लोग बात करते हैं इंटेल के न्यू 12th जेन प्रोसेसर्स के परफॉर्मेंस के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा बज क्रिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं पी कोर्स एंड ई कोर्स। अभी मैं दिखाता हूँ इससे परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ पे मैंने अभी अपना वीडियो रेंडर पे लगा दिया है एंड साथ ही में यार हम लोग थंबनेल पे काम करना भी शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे अभी ये रेंडरिंग वाला प्रोसेस बैकग्राउंड में चला गया इसलिए ये जाएगा ई कोर यानी कि एफिशिएंसी कोर पे,
एंड जो अपना फोटोशॉप है वो फोरग्राउंड में, इसलिए ये फोकस में है तो परफॉर्मेंस स्कोर पे यानी कि पी स्कोर पे है। इसी को मैं बोलूंगा यार रियल मल्टीटास्किंग विद एफिशिएंसी। यहाँ पे मैंने एक 10 मिनट की वीडियो रेंडर करने को लगा दी है, अभी देखते हैं इसको कितना टाइम लग जाता है। आई थिंक लगभग 10 मिनट में ही एक 10 मिनट की 1080p वीडियो ये रेंडर कर सकता है। ये वाला मॉडल एक्चुअली में आता है 8GB DDR4 RAM के साथ, इसमें 16GB RAM का भी ऑप्शन आ जाता है। ये जो DDR4 RAM है ये आती है 3200 मेगा ट्रांसफर्स की, काफी तेज है, इंटेल के 12 जन के कारण ये पॉसिबल है। साथ ही में इसमें 2GB GDDR6 आता है जो कि यार NVIDIA के MX550 का है। भाई इसमें हम लोग आराम से गेमिंग तक कर सकते हैं इन पावरफुल बीस्ट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। भाई टच पैड से GTA खेली जा रही है और एकदम स्मूथ चल रही है। बूम पैसा उठा ले, चलो चलो निकलते निकलते। गाइस अभी ये वाला पार्ट देखते समय आपको मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें हो रही है बफरिंग, जो कि किसी को पसंद है उसके लिए यार अपने पास मस्त सा है इसमें Wi-Fi 6E जो कि यार लेटेंसी फ्री वाईफाई प्रोवाइड करता है। इस लैपटॉप की सबसे खास बात मुझे पसंद आई ये वो है कि भाई कभी भी ओपन करो और ये हमेशा रेडी है काम करने के लिए। इवन दो अगर आप थक गए होंगे स्टिल ये तो रेडी है अपना काम करने के लिए। अभी यहाँ पे लीड ओपन करते करते मुझे यार एक ड्राइंग की आइडिया आ गई है, व्यूज बनाएंगे हम लोग काफी खतरनाक वाली व्यूज। ये ड्रॉ करते समय काफी एक नेचुरल सा फील आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है भाई कि मैं स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना नेचुरल लगा कि भाई इवन इसको मुझे पैर नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली स्टार्ट हो गया, बस बैटरी डाल ली इसमें और हो गया अपना काम। इस पे ना गाइस दो प्रोग्रामेबल बटन आते हैं जिसको आप किसी भी चीज पे प्रोग्राम कर सकते हो। मैं इसको अंडू रीडो पे लगा देता हूँ क्योंकि भाई इंसान हूँ, होती है गलतियां हो जाती है, माफ कर दो भाई। इवन गाइस ये एक प्रेशर सेंसिटिव पेन है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई प्रेशर लगा के और भी हम लोग डार्क करते हैं इसको। ये पेन की बैटरी यार चलती है 12 मंथ्स तक, लिटरली अपने जो नॉर्मल पेन से मेरे तो भाई वो 2 मंथ्स तक भी नहीं टिक पाते, ये 12 महीने चलेगा। ऊपर से यार जो 3 ईयर्स की वारंटी पीरियड है उसके अंदर ये नेक्स्ट वर्किंग डे ही आपको पेन रिप्लेस करके देते हैं। इसके बॉक्स में एक्चुअली में 3 निब्स आते हैं, यानी कि खराब भी हो गए तो आप इसको जल्दी से जल्दी चेंज कर सकते हो। भाई इस वाले लैपटॉप की बैटरी भी काफी ज्यादा तगड़ी है, 7 घंटे की ये बैटरी लाइफ दे सकता है और कुछ कुछ मॉडल्स तो भाई 9 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे देते हैं। एंड इसमें एक फीचर है एक्सप्रेस चार्ज का जो आपको सेटिंग में से ऑन करना पड़ता है, जिससे ये 80% चार्ज हो सकता है एक ही घंटे के अंदर, बट उसके लिए लैपटॉप ऑफ चाहिए या फिर हाइबरनेशन में चाहिए। भाई स्पीड मुझे काफी ज्यादा पसंद है और ये लैपटॉप में यार काफी ज्यादा स्पीड भरी पड़ी है, 512GB की NVMe SSD आती है इसमें, एकदम ऐसे स्नैप स्नैप करके काम होते हैं। भाई इस वाले लैपटॉप की यार वीडियो कॉलिंग और मीटिंग वाली बात भी काफी ज्यादा इंक्लूड है। एंड इसका जो FHD वेबकैम है वो पेयर है टेम्पोरल नॉइज रिडक्शन हार्डवेयर के साथ, जिससे यार काफी सारे अलग अलग टाइप के लाइटनिंग कंडीशंस में ये अच्छी क्लैरिटी दे पाता है। इसमें एक प्राइवेसी शटर भी है, लाइक सिर्फ इसको आपको बंद करना है, देखो वेबकैम पूरा का पूरा ब्लैक और इसको ओपन कर लिया, हो गया भाई फुल प्राइवेसी। भाई ऑडियो क्वालिटी स्पीकर्स की काफी बढ़िया क्योंकि इसमें आता है वर्ल्ड ऑडियो मैक्स प्रो। भाई लैपटॉप तो काफी ज्यादा स्टाइलिश बना दिया गया है, जो इंटेल का नया हाइब्रिड आर्किटेक्चर यार उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ गया है ये सारे के सारे इंटेल के 12 जनरेशन का। जो पी कोर से यानी कि परफॉर्मेंस कोर से वो यार सिंगल थ्रेडेड जो परफॉर्मेंस है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए बनाया गया और काफ़ी रिस्पॉन्स है, और दूसरी तरफ जो एफिशिएंट कोर से यानी कि ई कोर से वो यार मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस के लिए और स्केलेबल के लिए, ताकि यार कोई भी ऐप अगर आप उसमें ऑफलोड करते हो तो यार वो बैकग्राउंड में सही से चलता रहे। सो गाइस आपने इस Dell Inspiron 14 2-in-1 लैपटॉप का पूरा रिव्यू तो देख लिया, सो आपको पता चल ही गया होगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा एनहांस्ड हो चुकी है ऑल न्यू 12 जेन इंटेल कोर प्रोसेसर्स की वजह से, और उनके साथ जो नए एनहांसमेंट्स आते हैं यानी कि यार परफॉर्मेंस हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स जिसमें यार पी कोर और ई कोर आ जाते हैं, एंड देन आता है थ्रेड डायरेक्टर जो कि यार OS को डायरेक्ट करता है कि जो टास्क है कौन से स्पेसिफिक कोर्स में भेजने हैं, जिससे यार मल्टीटास्किंग एकदम सीमलेस हो जाती है।
एंड जो कैजुअल गेमिंग परफॉर्मेंस और अदर प्रोडक्टिव बेंचमार्क्स है ये डिवाइस के, भाई वो भी क्रैक कर देता है क्योंकि यार नए प्रोसेसर की वजह से। और कनेक्टिविटी की तो भाई बात ही अलग है क्योंकि इसमें आता है थंडरबोल्ट 4 और वाईफाई 6 ए भी। ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आइडियल है जो कि क्रिएटिव फील्ड्स में है एंड डे टू डे ऑफिस टास्क करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। साथ ही में इसका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो भी 100% रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया गया है और जो बाकी पैकेजिंग कंपोनेंट्स है वो भी 90% रिसाइकल्ड मटेरियल से। मतलब भाई एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना शुरू हो गया है, काफ़ी बढ़िया बात है ये, स्पीड के साथ एनवायरनमेंट भी। अगर आपको भी ये पसंद आ गया तो लाइक दे दो इस वीडियो को, नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, इसका प्राइसिंग भी आपको दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।